जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्रेमी भक्तों, यदि आप शक्ति चाहते हो, खुशी चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, तो इन चार शब्दों को दिन में किसी भी समय दोहराएं, दौलत और खुशी आपके पीछे पड़ जाएंगी, पानी की तरह आपके जीवन में आ जाएंगी। देखिए प्रेमी भक्तों, हम ये मानते हैं कि हर काम को सफल बनाने के लिए, उसको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन मेहनत भी जब ही रंग लाती है जब परमात्मा हमारा साथ देते हैं। इसीलिए हम कई वीडियो में कहते हैं कि कर्म किए जा भजन किए जा नहीं किसी का डर है, और परदेसी का नगर बसे यहाँ नहीं किसी का घर है। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं वो भगवान का भजन करते हुए करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है, क्योंकि नानक जी भी ये कह रहे हैं कि भय हरण दुर्मति नाशन कली में हरि को नाम, और नानक जो निस्दिन भजे सफल होए सब काम। जो भगवान का नाम निस्दिन भजता है उसके सभी काम सफल होते हैं। तो वो भगवान आपके भीतर ही है, उसी को आजकल अवचेतन मन भी कहा जाता है। परमात्मा की जो शक्ति हमारे भीतर है वही अवचेतन मन है। दो मन होते हैं, एक चेतन एक अवचेतन। तो इसको आप आध्यात्म की भाषा में चेतन को आत्मा कह सकते हो और अवचेतन को परमात्मा कह सकते हो। तो जो अवचेतन मन की परमात्मा की जो छिपी हुई शक्ति है ना, जो उसका प्रयोग सीख लेता है ना, उसके जीवन में शक्ति दौलत सेहत खुशी और आनंद अपने आप ही आ जाते हैं। अब देखो, आपको खुशी चाहिए दौलत चाहिए तो आपको ये चार ही शब्द बार बार दोहराने, क्योंकि वो शक्ति आपके भीतर है जो इन शब्दों को सुनेगी। वो सुनेगी तो आपके जीवन में यही सब चीजें आएंगी। तो जब भी आपके पास समय हो, दिन में किसी भी समय थोड़ा एकांत में बैठ जाए, कम से कम 15 मिनट का समय तो जरूर निकालें। हर रोज 15 मिनट 20 मिनट और ज़्यादा करें तो 24 मिनट एकांत में बैठ जाएं और मन में ये चार शब्द बोलते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मन ही मन दोहराते रहें, शक्ति दौलत सेहत खुशी, शक्ति दौलत सेहत खुशी, शक्ति दौलत सेहत खुशी। ये चार शब्द दोहराते रहिएगा, यकीन मानिएगा हर तरह की आपकी जो शक्तियां छुपी हुई अंदर वो जागृत होंगी, दौलत अपने आप पानी की तरह बह के आएगी, सेहत ठीक होगी और खुशियां चारों तरफ से खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि गलत बोलोगे तो उस शक्ति तक गलत आवाज पहुंच जाती, इसीलिए कहा जाता है कभी भी गलत मत बोलो। गलत शब्द उस तक पहुंच गया तो वो गलत ही उसी के हिसाब से करना शुरू कर देगी, अच्छा बोलोगे तो वो अच्छा बनाना शुरू कर देगी। वो उसका काम है, उसके लिए असंभव नहीं। आप बोल कर तो देखिए, ये कम से कम 21 दिन का होता है, 21 दिन में ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप हमेशा भी बोल सकते हो, दिन में एक बार बोलो, दो बार बोलोगे तो और बढ़िया है, और ज़्यादा आपके जीवन में खुशहाली जल्दी आएगी। क्योंकि ये एकाग्रता की बात होती है, आपका मन जो चेतन मन है ना, वो जब बाधा नहीं डालता है तो ये बात जो है तुरंत अवचेतन तक पहुंच जाती है। इसीलिए कहा जाता है एकांत में शांति से बैठकर जब आपका मन संसार में ना जाए तब ये बोलो, ताकि तुरंत ही आपका काम बन जाए। और किसी को भी लाभ हो तो मैसेज करके ज़रूर बताना, क्योंकि लोग मैसेज करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो 9958515054 पर मैसेज कर सकते हो या फिर YouTube पर पूछ सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय राम श्री राम।